हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आप सबका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अभी रात हो चुकी है, अभी हम जाके सो जाते हैं क्योंकि रात में मॉब्स का खतरा होता है। जल्दी जल्दी जाते हैं, अभी हम विलेजर के इसमें ही सो जाते हैं क्योंकि हमको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए चलो दो। हाय गाइस, आज हो गई है हमारी सुबह, अब हम नहा के आते हैं हमारे स्विमिंग पूल में। चलिए दोस्तों, अब हम नहा के आते हैं हमारे स्विमिंग पूल में। गेट लगा देते हैं। ये आ गया है हमारा स्विमिंग पूल। चलो अब हम नहा लिए हैं, अब हम हमारे स्टोर रूम बता देते हैं आपको। कल हमने स्टोर रूम नहीं देखा था, हमारी पहले वाली वीडियो में हमने स्टोर रूम नहीं देखा था, तो आज हम आपको हमारा स्टोर रूम बता देते हैं। कल हमने ऐसा ही देख लिया था। ये रहा हमारा स्टोर रूम। हमारा स्टोर रूम में बहुत ही सारा कोल है हमारे। ये हमने बहुत ही मेहनत से ढूंढा था, कम से कम 10 दिनों के अंदर। ये हमारा आयरन डायमंड को बहुत ही मुश्किल से मिला है दोस्तों। ये हमारे कुछ नहीं है इसमें, चेस्ट में, और ये चेस्ट में है हमारे स्टोन। स्टोन तो आम ऐसे ही मिल जाते हैं। अब हम बनाते हैं, अब हमें आपको बताने जा, अब जा भूख लगी, भूख तो पेट को फूल है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारा किचन। ये रहा हमारा किचन दोस्तों, ये बैरल वगैरह। इसके ऊपर स्विमिंग पूल है तो थोड़ा लीक करता है। ये रहा हमारा किचन। अब मैं आपको ले जाता हूँ हमारे एन्चेंटिंग रूम में। ये रहा दोस्तों हमारा एन्चेंटिंग रूम। कैसा है दोस्तों, कमेंट में जरूर भेजना। चलो दोस्तों, अब मैं आपको ले जाता हूँ हमारी ऊपर वाली मंजिल में। तो हम देखे आए थे, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब हम जाते हैं बाहर। अब हम जाते हैं हमारे ये वाले स्विमिंग पूल में, यहाँ पे भी नहा लेते हैं। चलो नहा लिए हैं। चलो लेटर बॉक्स में देख लेते हैं कुछ आया या नहीं आया। ये हमारा लेटर बॉक्स है, आप भी ऐसा कुछ कर लेना अपने वर्ड में। ये हमारी फसल, अब हम खाने के लिए थोड़ा वीट निकाल लेते हैं। क्योंकि हमको वीट की जरूरत पड़ सकती है। हमने रैबिट भी निकाल ली, चलो रैबिट भी निकाल लेते हैं। शलजम भी निकाल लिए हमने। चलो दोस्तों चलता है क्योंकि हमको भूख लग सकती है, इसलिए हम रैबिट निकाल लेते हैं। तो फार्मर्स को निकालते ही नहीं। ये
ये हमारा इतना तो खाली हो चुका है, अब इनको भी निकाल लेते हैं दोस्तों। हो तो हमारे पास एक मेजराइट हो है, तो हम ये हो से नहीं निकलता है दोस्तों। बहुत बड़ा खेत है दोस्तों, आप भी ऐसे खेती करना। ये विलेज मेरे को मिला है, मैंने तो सिर्फ इसमें अपना मॉडर्न हाउस बनाया है, वो भी बहुत ही मेहनत से। अब भी बनाना दोस्तों, और मुझे वीडियो डालना। ज्यादा दूर हो चुके हैं, ये हमारी जमीन सूख गई। चलो दोस्तों, हमारे पास रेबिट 64+45 हो चुकी है, वीट को हम रख देते हैं, और ये हमारे पास जो सीड बचा था वो लगा देते हैं दोस्तों। अब सीड कैसे बनाते हैं? सीड तो हमें बनाते नहीं आता है दोस्तों। सीड हमें बनाना नहीं आता। चलो इतने ही काफी है, ये अपन ने खेत में भी एक डुबकी लगा ली। अब मैं आपको अपने आयरन फार्म में तो ले गया था, लेकिन अब अपन क्या करते हैं, आयरन फार्म को चेक कराते हैं कि आयरन फार्म में कितना आयरन आया, फिर बाद में अपन ये रेबिट भी निकाल देंगे, फिर अपने को खाने के लिए अच्छा रहेगा। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्वेंटी 26, वाओ दोस्तों कितनी सारी हो गई। अब अपन अपने विलेज में क्या करें, आपके दिमाग में कुछ भी आइडिया हो तो हमें डाल देना दोस्तों। हाय।